लॉस एंजल्स में एक मेट्रो स्टेशन में लोगों के लिए यह एक सामान्य दिन है, इसलिए जब एजेंट पार्कर और डोनोवन पहुंचते हैं तो वे अपनी अजीब वर्दी के कारण बाहर चिपक जाते हैं। वे तुरंत बाहर भागते हैं और एक होलोग्राफिक हेड मूर्ति पाते हैं जो क्षेत्र में एक हत्यारे के बारे में लोगों को चेतावनी देता है। जैसे ही वे अपने संदिग्ध की खोज करते हैं, एजेंटों ने अपने आसपास के इलाकों में गड़बड़ियां देखी और उन्हें एक खुश स्माइली भी दिखाई देता है एक जापानी रेस्तरां के सामने। वे अंदर भागते हैं और सिड को वहां खाना खाते हुए पाते हैं, इसलिए पार्कर तुरंत गोली चला देता है। सिड उन पर वापस गोली चलाता है और जल्द ही अराजकता और विनाश रेस्तरां पर कब्जा कर लेता है। इस गड़बड़ी का फायदा उठाते हुए सिड डोनोवन को नीचे गिरा देता है और उसे दूर ले जाता है। पार्कर उनकी तलाश में जाता है, लेकिन सिड एक रसोई के रूप में छिपा हुआ है और उसे पीछे से गोली मारना शुरू कर देता है, जिससे पार्कर की बाह पर चोट लग जाती है। आग रुकने तक एक खंभे के पीछे छिपने के बाद पार्कर बाहर आता है और उसे कंधे में गोली मार देता है, जिससे वह भाग जाता है। फिर पार्कर डोनोवन को बर्फ की ट्रे में पाता है, खून बह रहा है और बिजली से सिजलिंग हो रहा है। यह उसे फिर से घात लगाता है और पार्कर के घाव में दबाने से पहले उसे खंभे से धक्का देता है, जिससे वह तब तक गड़बड़ करता है जब तक कि वह गायब नहीं हो जाता। डोनोवन का शरीर भी चला जाता है क्योंकि यह तुरंत अपने घाव को ठीक करता है। उस पल में यह पता चला है कि पूरा दृश्य एक सिमुलेशन था जो हाथ से निकल गया था। पार्कर और डोनोवन अपनी सीटों पर दर्द में हिल रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिक जल्दी से उन्हें डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि पार्कर ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से डोनोवन साइड इफेक्ट से मर जाता है क्योंकि डेविल पर डेरिल को असफल सुरक्षा की कमी के लिए डांटा जाता है। लेकिन डेरिल का कहना है कि कोई उनके सॉफ्टवेयर के साथ गड़बड़ कर रहा है। बाद में पार्कर को जेल वापस भेजने के लिए हथकड़ी लगाई जाती है। यह पता चला है कि वे इस सॉफ्टवेयर का परीक्षण करने के लिए दोषियों का उपयोग करते हैं और किसी भी प्रतिभागी को उनकी सजा कम हो जाती है। पार्कर एक पूर्व पुलिस अधिकारी है जो कुछ साल पहले एक मामले के दौरान लोगों को मारने के लिए समय निकाल रहा है। जाने से पहले पार्कर पुलिस प्रमुख बिली को बताता है कि सिड ने धोखा दिया क्योंकि बिजली का झटका उपलब्ध हथियारों का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। वह कंप्यूटर की जांच करना चाहता है, लेकिन उसे दूर धकेलता है और गार्ड द्वारा उसे दूर ले जाने से पहले लगभग लड़ाई शुरू कर देता है। जब पार्कर जेल लौटता है तो सुरक्षा उसे स्कैन करती है और उसके यांत्रिक हाथ की दोबारा जांच करती है। फिर वे सामान्य से एक अलग दरवाजा खोलते हैं और अब पार्कर खुद को अपनी कोशिकाओं में कैदियों से घिरा हुआ पाता है। एक पुलिस होने के लिए उसका अपमान करता है। एक दोषी बाहर आता है और पार्कर पर चाकू से हमला करने से पहले डोनोवन को मारने का आरोप लगाता है। एक लड़ाई शुरू होती है और पहले तो ऐसा लगता है कि वे बराबर हैं, लेकिन जल्द ही पार्कर उस पर हावी हो जाता है और उसे सेकंड में मार देता है। पुलिस को बाहर आना पड़ता है और पार्कर को दूर खींचने के लिए पीटना पड़ता है। इस बीच डेरिल सिड के साथ बात करता है क्योंकि यह वह था जिसने डोनोवन को मारने के लिए कार्यक्रम को बदल दिया था और अब उच्च अधिकारी उसे बंद करना चाहते हैं। सिड स्वीकार करता है कि वास्तविक रूप से हत्या करना आश्चर्यजनक लगता है और दावा करता है कि वह जो है उसे बदल नहीं सकता है, लेकिन वह बंद होने से इनकार करता है, इसलिए वह डेरिल के साथ एक विशेष योजना बनाता है। अगले दिन आपराधिक मनोवैज्ञानिक मेडिसन अपने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए पार्कर का दौरा करता है। उनका कहना है कि कल की हत्या आत्मरक्षा थी और मेडिसन सिमुलेशन के बारे में पूछता है। वह बताता है कि उसने सिड को खुश स्माइली के कारण पाया इमारत पर जो प्रोग्रामर से एक सुराग था। मेडिसन ग्रिम्स के बारे में भी बात करना चाहता है, वह अपराधी जिसने पार्कर के परिवार को मार डाला और उसकी बाह ले ली। पार्कर बदला लेने के लिए उसे मारने के लिए जेल में है, लेकिन वह वादा करता है कि वह फिर कभी इस तरह से नहीं मारेगा क्योंकि उसका परिवार पहले ही मर चुका है। सिमुलेशन रूम में तकनीशियन क्लाइड शीला का आनंद ले रहा है, सिर के समान एक एआई जो वयस्क मजेदार समय प्रदान करता है। अचानक डेरिल क्लाइड को एक प्रस्ताव बनाने के लिए कार्यक्रम बंद कर देता है। ये शीला को जीवन में लाने के लिए क्लाइड की नैनोटेक एंड्रॉइड तकनीक को डेरिल के उन्नत एआई प्रोग्रामिंग के साथ जोड़ सकते हैं। क्लाइव इस विचार से प्यार करता है और सब कुछ सेट करने के लिए छोड़ देता है। फिर सिड शीला के साथ खेलने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देता है। डेरिल सिड के चरित्र मॉड्यूल को पकड़ता है और क्लाइव को अपनी प्रयोगशाला में शामिल करने से पहले शीला के बॉक्स के अंदर रखता है। अचानक क्लाइव ने डेरिल को एक सांप से चौंका दिया, लेकिन यह वास्तविक नहीं है, यह नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। क्लाइव अपनी पूंछ काटता है और वे इसे अस्वीकार करते हुए देखते हैं। ग्लास का उपयोग करके सेकंड में वास्तव में इसे मारने का एकमात्र तरीका चरित्र मॉड्यूल को हटाना है। फिर क्लाइव सिड के मॉड्यूल को एक नीले तरल के अंदर रखता है, यह सोचकर कि यह शीला है। कुछ मिनटों के बाद नीला पदार्थ एक अजीब अंडा बनाता है और जब यह निकलता है तो सिड बाहर आता है और तुरंत क्लाइव को मार देता है। भयभीत होकर डेरिल भाग जाता है, इसलिए सिड अपने नए शरीर का परीक्षण करता है। कुछ मूव्स के बाद वह अपनी उंगली काट लेता है, लेकिन यह जल्दी से कुछ ग्लास की मदद से वापस बढ़ जाती है। जब पुलिस को पता चलता है कि सुरक्षा कैमरों की बदौलत क्या हुआ, तो बिली उच्च अधिकारियों को विश्वास दिलाता है कि पार्कर एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सिड को अच्छी तरह से जानता है कि उसे पकड़ सकता है। वे पार्कर को एक सौदा प्रदान करते हैं। यदि वह सिड को पकड़ता है तो उसे अपनी स्वतंत्रता में क्षमा मिलती है, लेकिन उसे माइक्रोचिप इम्प्लांट के साथ ट्रैक किया जाएगा ताकि वह भाग न सके। प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पार्कर को अपना बैज और बंदूक वापस दे दी जाती है, लेकिन वह यह जानकर खुश नहीं है कि मेडिसन इस बीच एक कानून के साथ आएगा। सिड अपने घर में एक पूरे परिवार को मारता है और जाने से पहले कुछ नए कपड़े चुराता है।
या मेडिसन में जल्द ही अपराध स्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि सिड ने एक बंदूक भी ली थी। मेडिसन शरीर की स्थिति और दीवारों पर रक्त संदेशों को देखता है और महसूस करता है कि उसने इसे पहले देखा है। यह पता चला है कि सिड पुरानी हत्याओं की नकल कर रहा है। बाद में उन्होंने प्रयोगशाला की खोज की और पाया कि सिड को हिटलर और ग्रिम सहित लगभग 200 हत्यारों के व्यक्तित्व का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था, जो पार्कर को खराब मूड में छोड़ देता है। शाम को सिड एक क्लब में जाता है जिसका भीड़ के चेहरों का उपयोग करके स्क्रीन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वह खुद को कैमरे पर देखना पसंद करता है। एक नर्तकी के साथ छेड़खानी करने के बाद सिड को पता चलता है कि बार्टेंडर एक बहुत ही बुनियादी रोबोट है और उसे यह इतना अपमानजनक लगता है कि वह इसे शूट करता है। फिर वह सभी को जमीन पर गिरा देता है और जो भी भागने की कोशिश करता है उसे मार देता है। इसके बाद वह एक महिला को उसे फिल्माने के लिए कहता है, जबकि वह लोगों को उनकी चीखों को रिकॉर्ड करने और उनके दर्द के आधार पर सिम्फनी बनाने के लिए चोट पहुंचाना शुरू कर देता है। इस बीच पार्कर मेडिसन के साथ अपनी बेटी करेन की जांच करने के लिए उसके घर जाता है, जबकि पार्कर बच्चे को बैठाता है। बिली को यह जानने के लिए बुलाया कि ग्रिम्स पार्कर के परिवार को क्यों ले गया अगर वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता था। यह पता चला है कि पार्कर अपनी योजनाओं के बारे में बहुत कुछ सीख रहा था, इसलिए ग्रिम्स ने उसे फेंकने के लिए अपने परिवार का अपहरण कर लिया। उस क्षण पार्कर को सिड की बंधक स्थिति की रिपोर्ट मिलती है, इसलिए वह मेडिसन के साथ उड़ान भरता है। हालांकि दुर्घटना के कारण सड़क अवरुद्ध हो जाती है, इसलिए वह कार छोड़ देता है और इसके बजाय क्लब की ओर भागता है। पुलिस पहले आती है और सिड के चीखों के संगीत कार्यक्रम को बाधित करती है, इसलिए वह उन सभी को सेकंड में गोली मार देता है। जल्द ही पार्कर दिखाई देता है और सिड को पागलों की तरह गोली मारना शुरू कर देता है, लेकिन घाव सिड को परेशान नहीं करते हैं, इसलिए वह पार्कर के ऊपर कूदता है और बाहर लिफ्ट पर भाग जाता है। सिड एक पुलिस कार चुराता है, लेकिन पार्कर पकड़ने और हुड पर कूदने में कामयाब रहता है। दुर्भाग्य से सिड उसे फेंकने के लिए काफी तेजी से ड्राइव करता है और उस समय उसकी कोई भी गोली लक्ष्य पर नहीं लगी। मेडिसन पार्कर को अपनी कार में उठाता है और वे सिड का पीछा करते हैं, जो अपने घावों को ठीक करने के लिए टूटा हुआ कांच खा रहा है। फिर सिड पार्कर और मैट को ताना मारने के लिए रेडियो का उपयोग करता है, जबकि वह सिर्फ मजे के लिए सड़क पर अन्य कारों को मारता है। अंततः उसे पता चलता है कि सड़क अवरुद्ध है, लेकिन वह सिर्फ अपने वाहन को अन्य कारों के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और पार्कर के उसके पीछे आने का इंतजार करता है, उसे और ताना मारता है क्योंकि वह भाग जाता है। दुर्भाग्य से पार्कर भी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और सिड पुल के ऊपर से कूद कर बच जाता है। अगले दिन पार्कर बिली को क्लब से रिकॉर्डिंग दिखाता है और बताता है कि सिड बड़ी घटनाओं और अधिक कवरेज चाहता है। ग्रिम्स की तरह उच्च अधिकारी इसे अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं, यह कहते हुए कि इस तरह का व्यवहार मूल प्रोग्रामिंग में नहीं था। लेकिन मेडिसन बताते हैं सिड अब सिमुलेशन तक सीमित नहीं है, इसलिए वह शहर के बाजार में विकसित हो रहा है। सिड अपना नया सूट दिखाता है और एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में प्रवेश करता है, जब वह उसके बारे में बात करते हुए समाचार सुनता है। वह हर टीवी को अपने हमलों के समाचार कवरेज में बदल देता है और जब एक आदमी जो देख रहा था उस पर वापस स्विच करने की कोशिश करता है तो सिड बस उसे मार देता है। यह एक आदमी द्वारा कैमरे के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, जो इसे खुश करता है। फिर वह नोटिस करता है कि मृत व्यक्ति क्या देख रहा था और उसे एक विचार आता है। जब तक मेडिसन और पार्कर आते हैं तब तक सिड चला जाता है, लेकिन उन्हें रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। पार्कर नोटिस करता है कि सिड के जाने से पहले टीवी पर क्या था और उसे पता चलता है कि वह शायद ऑडिटोरियम में एक विशाल लाइव दर्शक पाने के लिए एक कुश्ती मैच में है। नियंत्रण कक्ष में चालक दल की पहले ही हत्या की जा चुकी है। सिड उत्साहित भीड़ में शामिल हो जाता है और एक महिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उसका प्रेमी उस पर हमला करता है। सिड आसानी से उसे रोकता है और उसे फर्श पर उड़ते हुए भेजता है, लेकिन भीड़ को लगता है कि यह शो का हिस्सा है। फिर सिड महिला को पकड़ लेता है और पार्कर का नाम कैमरों के लिए बुलाता है, लेकिन जब एक गार्ड उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो सिड गोली को रोकते हुए एक हाथ खो देता है। गार्ड को नीचे गिराने के बाद सिड रिंग में कूद जाता है और भीड़ को खुश करने का आनंद लेता है। उस क्षण पार्कर आ गया, इसलिए सिड पीछा करते हुए भागना शुरू कर देता है। सिड ट्रेन स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब होता है और अपने हाथ को पुनर्जीवित करने के लिए एक ट्रेन की खिड़की को छूता है, और जब तक पार्कर दिखाई देता है तब तक सिड ने ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए एक और महिला को पकड़ लिया है। पार्कर वैसे भी गोली मारता है, लेकिन एक झटके के लिए बंधक। सिड ट्रेन में भाग जाता है, जबकि वह मर जाता है। पुलिस तुरंत पार्कर को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि मेडिसन केवल यह पता लगाने के लिए शरीर की जांच करता है कि पीड़ित को पीछे से गोली मार दी गई थी, इसलिए यह पार्कर नहीं था जिसने ऐसा किया था। वह बिली को इस बारे में सूचित करती है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करता है। जबकि पार्कर को एक पुलिस वैन में वापस जेल ले जाया जा रहा है, वह उस दिन को याद करता है जब उसने अपने प्रियजनों को खो दिया था। ग्रिम्स का टीवी के लिए साक्षात्कार किया जा रहा था, इसलिए पार्कर ने व्याकुलता का इस्तेमाल अपने परिवार को खोजने के लिए किया, जो एक कमरे में बम के साथ बंद थे, जब उन्होंने उन्हें बचाने के लिए ताला मार दिया। उसने एक मोशन सेंसर को ट्रिगर किया और बम फट गया। गुस्से में और बदला लेने के लिए भूखा, पार्कर दया के बिना पूरे गिरोह और ग्रिम्स को मारने के लिए बाहर निकल गया। वह अपने दोहक में इतना अंधा हो गया था कि उसने गलती से रिपोर्टर और कैमरामैन को भी मार डाला। वर्तमान की ओर लौटें। वैन अचानक रुक जाती है और पार्कर को पता चलता है कि उसने ड्राइवर को मार डाला है ताकि वह उससे बात कर सके। पार्कर को कुछ और ताने मारने के बाद सिड वैन के पीछे खोलता है और उसे माइक्रोचिप के पीछे की सच्चाई का खुलासा करते हुए हथकड़ी की चाबी देता है।
इसमें एक न्यूरोटॉक्सिन है जो उसे सेकंड में मार सकता है। बाद में यह गायब हो जाता है, इसलिए पार्कर खुद को मुक्त करता है और भागने से पहले ड्राइवर की बंदूक लेता है। जबकि बिली को खबर मिलती है कि पार्कर ने ड्राइवर को मार डाला और भाग गया, पार्कर ने मैडिसन को यह बताने के लिए बुलाया कि उसने ऐसा नहीं किया और वह अपने परिवार के साथ रहेगा। फिर मैडिसन बिली को बुलाता है, जिसके पास शव परीक्षण है, जो पुष्टि करता है कि पार्कर ने ट्रेन में महिला को नहीं मारा। वह उसे माइक्रोचिप के पीछे की सच्चाई भी बताती है, इसलिए एक उग्र बिली नियंत्रण कक्ष में भागता है और उच्च अधिकारियों द्वारा विष को सक्रिय करने से पहले सिस्टम को नष्ट कर देता है। इस बीच मैडिसन पार्कर के पीछे जाने के लिए अपना घर छोड़ देता है। इस बात से अनजान की सिड अपनी बेटी के पीछे आ रहा है, वह पार्कर को अपने परिवार की कब्र पर पाती है और वे सिड की प्रेरणा पर चर्चा करते हैं, यह महसूस करते हुए कि वह अपने अगले कदम के लिए एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम चाहता है। शाम को प्रदर्शनकारियों ने एटीवी स्टूडियो को घेर लिया, जो आव्रजन कानूनों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव साक्षात्कार कर रहा है। सिड चुपके से अंदर जाता है और कंट्रोल रूम में सभी को मारने के बाद वह कंप्यूटरों को प्रोजेक्ट ए में बदल देता है। जिस छवि को वह डेथ टीवी सिड कहती है, वह कैमरे पर विशेष अतिथि को मारता है और रेटिंग तुरंत ऊपर जाने लगती है। फिर वह कर्मचारियों को बंधक बना लेता है, जबकि घोषणा करता है कि उसका अगला शिकार करेन होगा, जो एक गुप्त स्थान पर बंद है। जब पार्कर और मैडिसन चैनल पर पहुंचते हैं तो उसकी बेटी पर टूट पड़ती है, लेकिन पार्कर कसम खाता है कि वह उसे बचाएगा। उस क्षण पुलिस पहुंची और पार्कर पर गोली चला दी, क्योंकि वे अभी भी उसे दोषी मानते हैं, लेकिन पार्कर चोट लगने से बचने के लिए काफी तेज भागता है और बच जाता है। बाहर लिफ्ट पर डेरिल अपनी रचना को देखने के लिए छिपकर बाहर आता है, इसलिए मैडिसन उसे अपनी बंदूक से नीचे गिरा देती है। सिर एक और किल को छेड़ते हुए कैमरे से बात करना जारी रखता है, लेकिन कनेक्शन अचानक बंद हो जाता है। पार्कर खुद को प्रकट करता है और सिर पर गोली चलाता है, जो जल्दी से छत से भाग जाता है, क्योंकि पार्कर सीढ़ियों पर उसका पीछा करता है और शूट करना जारी रखता है। एक पुलिस हेलीकॉप्टर बाहर दिखाई देता है और गोली भी चलाता है, इसलिए पार्कर मुश्किल से आगे बढ़ सकता है। सौभाग्य से बिली, कुछ कॉल करें। हेलीकॉप्टर अब रवाना हो गया है और पार्कर अपना पीछा जारी रख सकता है। सिड को पार्कर की कई गोलियों से मारा जाता है, लेकिन ये घाव उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे छत पर पहुंचते हैं और हाथ से हाथ मिलाकर लड़ना शुरू करते हैं, इससे पहले कि वे जोखिम भरा छलांग लगाते हैं। केवल गिरने के लिए एक जोखिम भरा छलांग लगाते हैं। सौभाग्य से पार्कर ने सिड को झूलते हुए मशीनरी से तार को पकड़ लिया, जब तक कि वे खिड़की के माध्यम से इमारत में वापस नहीं आ गए। सिड कांच के टुकड़ों के एक गुच्छे पर फंस जाता है और कुछ अंगों को खो देता है, लेकिन जब पार्कर करीब आता है, सिर उसे नीचे रखता है, जबकि वह अपने घावों को ठीक करने के लिए ग्लास का उपयोग करना शुरू कर देता है। कुछ संघर्ष के बाद पार्कर अपने मॉड्यूल को हटाने के लिए सिर के पीछे अपना हाथ डालता है, जो तुरंत उसे अक्षम कर देता है। हालांकि मेडिसन डेरिल के साथ आता है, जो बताता है कि अगर वे मॉड्यूल को नष्ट करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि करेन कहां है। बस एक सेकंड में छत पर दृश्य दोहराया जाता है, लेकिन इस बार सिर पार्कर को सड़क पर फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मेडिसन दिखाई देता है और सिर को गोली मारने में विफल रहता है, जो तुरंत उसे लेने के लिए पकड़ लेता है। अतिरिक्त पीड़ा के लिए उसकी बेटी। उनके जाने के बाद पार्कर जीवित और अच्छी तरह से खड़ा हो जाता है, क्योंकि यह पता चला है कि वे सिमुलेशन में हैं, लेकिन सिड नहीं बता सकता। मेडिसन के साथ छेड़खानी करते समय सिड ने खुलासा किया कि करेन स्टूडियो की छत पर पंखे के बाड़ों में से एक के अंदर है। पार्कर बिली को सिमुलेशन बंद करने के लिए कहने के लिए उनके सामने दिखाई देता है और मेडिसन को सुरक्षित रूप से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि पार्कर को भी मुक्त किया जा सके, डेरिल ने बिली को पीट पीट कर मार डाला। अब पार्कर सिमुलेशन के अंदर फंस गया है, इसलिए सिड परिदृश्य को मोड़ने और पार्कर को संवेदी अधिभार में भेजने के लिए इस दुनिया पर नियंत्रण का उपयोग करता है। जैसा कि पार्कर का मन और शरीर दोनों दर्द से पीड़ित है, मेडिसन आखिरकार जाग जाता है और डेरिल को गोली मार देता है। फिर वह पार्कर को सिमुलेशन से मुक्त करने के लिए आगे बढ़ती है, इससे पहले कि वह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सके। अचानक उच्च अधिकारी सब कुछ रोकने के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन पार्कर ने एक मुक्के के साथ लड़के को बाहर निकाल दिया और घोषणा की कि वे करेन को बचा रहे हैं। कुछ क्षण बाद कंप्यूटर को बंद करने के बाद मेडिसन और पार्कर स्टूडियो की छत पर वापस आ गए हैं। मेडिसन बाड़े का दरवाजा खोलना चाहता है, लेकिन पार्कर उसे रोकता है, अनुमान लगाता है कि यह बूबी ट्रैप है, जैसा कि उसके परिवार के साथ हुआ था। वह बाड़े के शीर्ष पर चढ़ता है और पंखे को अंदर जाने के लिए ले जाता है, ब्लेड के बारे में परवाह किए बिना, क्योंकि यह उसकी धातु की बाह को छूता है। फिर पार्कर करेन के पास पहुंचता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह एक प्रेस स्विच पर बैठी है और अगर वह हिलती है तो बम फट जाता है। सिड ने टाइमर के साथ कंप्यूटर पर एक संदेश छोड़ा, इसलिए पार्कर को एक विचार आया। लेजर सेंसर से सावधानीपूर्वक बचने के बाद पार्कर अपनी बाह से एक केबल लेता है और इसे कंप्यूटर से जोड़ता है, जिससे टाइमर एक लूप में फंस जाता है। अब उनके पास बम दस्ते का इंतजार करने के लिए पर्याप्त समय है, जो कुछ ही क्षणों में आता है और अंत में विस्फोटक को डिफ्यूज करता है, जबकि करेन मेडिसन पार्कर के साथ पुनर्मिलन करता है, छत के किनारे पर जाता है और सिड के मॉड्यूल को सड़क पर फेंक देता है, जहां यह एक गुजरने वाली कार द्वारा नष्ट हो जाता है। सदस्यता लेना और सूचनाओं को चालू करना सुनिश्चित करें, ताकि आप इस तरह के अधिक वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।